हे ब्यूटीफुल पीपल, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आज हम बनाने वाले हैं सूजी का हलवा। हलवा बनाने के लिए कढ़ाई में ले लेंगे एक कप सूजी। उसे हमने स्लो फ्लेम पे, स्लो टू मीडियम फ्लेम पे अच्छे से रोस्ट कर लेना है। फ्रेंड्स, ध्यान रखें कि सूजी जले नहीं कहीं से भी। अगर जल गई तो उसका फ्लेवर अच्छा नहीं आएगा, अगर जल गई तो हलवा अच्छा नहीं लगेगा। तो हमें फ्लेम को स्लो और मीडियम के बीच में रखते हुए रोस्ट करते रहना है। हमारी सूजी का कलर चेंज हो गया है। सूजी को हम रवा भी कहते हैं, इंग्लिश में उसे सेमोलिना कहते हैं। जैसे ही रवे का कलर चेंज हो जाए, हमें उसमें 2 बड़े चम्मच घी ऐड करना है। अब हमें इसे थोड़ा घी में रोस्ट करेंगे। ये बहुत ही इजी रेसिपी है, लेकिन फ्रेंड्स, और ये बहुत ही पुरानी क्लासिकल रेसिपी है, हम लोग बोल सकते हैं। अब हम इसमें चॉप किए हुए मिक्स ड्राई फ्रूट्स ऐड करेंगे, अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। ड्राई फ्रूट्स भी कैसे थोड़े क्रंची हो जाते हैं इसमें। ये जो मैंने चम्मच से घी ली थी, उसे भी क्लीन करी। व्हाई टू वेस्ट एनीथिंग, देसी घी है वो भी यार। ड्राई फ्रूट्स पे क्रिस्पी हो जाने के बाद में हम इसमें ऐड करने वाले हैं मिल्क। 1 कप ऑफ मिल्क और 1 कप वाटर। जैसे कि सूजी जितनी होती है ना, हमें उसमें दूध और पानी उसका डबल ऐड करना होता है। जैसे मैंने 1 कप तो मैं इसमें 1 कप पानी डाली हूँ, 1 कप दूध डाली हूँ। आप सिर्फ पानी भी डाल सकते हैं, आप सिर्फ दूध भी डाल सकते हैं, योर चॉइस। बट मैंने दोनों का मिक्सचर डाला था। अब हमारे हलवे में बॉईल आने लगे हैं। जैसे ही बॉईल आने लगे, मैंने इसमें 3 टेबलस्पून यानी 3 बड़े चम्मच चीनी ऐड की है, शक्कर ऐड की है। अगर आप कम खाते हैं तो कम ऐड कीजिए, ज़्यादा खाते हैं, मीठा ज़्यादा पसंद करते हैं तो आप ज़्यादा डाल सकते हैं। ये मीडियम है, मतलब ना कम है ना ज़्यादा है। अगर ये मेजरमेंट से आप बनाएंगे तो आपको मीडियम मीठा मिलेगा। अच्छे से मिक्स कर लेंगे, बहुत स्पीड में नहीं करना है, आराम आराम से करेंगे। एक बॉईल आने का इंतज़ार करेंगे। जैसे ही बॉईल आना शुरू हो जाए, फ्लेम को स्लो कर देंगे और एक ढक्कन ढक देंगे, जैसे हलवे में थोड़ा दम आ जाए। 1-2 मिनट बाद हम ढक्कन खोलकर इसे मिक्स कर लेंगे, ताकि घी, दूध, चीनी, रवा, ड्राई फ्रूट अच्छे से मिक्स हो जाए। इन सब को अच्छे से मिक्स करने के बाद फ्लेम स्लो ही रखेंगे फ्रेंड्स, फ्लेम को हाई नहीं करेंगे। अब देख रहे हो इसमें स्लो फ्लेम में अच्छे से भूनते रहेंगे। भून जाने के बाद में हम फिर इसे ना थोड़ी देर के लिए ढक्कन ढकने वाले हैं। तो अच्छे से भून लीजिए 1-2 बार बीच में। भून जाने के बाद में हम फिर से 2 मिनट के लिए इसे दम पे देंगे। और हमारा घी देखो कितने अच्छे से अलग हो गया हलवे से। ये पहचान होती है कि हाँ, हमारा हलवा अच्छे से भून चुका है। मिक्स कर लेंगे सारा घी और हलवा। अभी मैं आपको सेपरेट करके दिखाती हूँ पूरा हलवा। मैंने एक बार मिक्स कर लिया है सारी चीज़ों को, लेकिन फिर भी देखना घी पूरा अलग हो जाएगा हलवे से, बिल्कुल लगा नहीं है, जला नहीं है। आप देख सकते हो घी कैसे अलग निकल के आ रहा है, यानी हमारा अब हलवा तैयार हो चुका है। आज गुरु पूर्णिमा है और मुझे ज़्यादा तो नॉलेज नहीं है, बट मुझे ऐसा लगता है कि शायद व्रत के लिए ये ठीक होगा। तो मैंने ये रेसिपी आज अपलोड करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी समझा। अगर आपको नॉलेज हो कि गुरु पूर्णिमा के दिन क्या क्या बनता है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में, इससे मेरी भी नॉलेज बढ़ेगी, मैं भी कुछ सीख पाऊँगी, है ना। थैंक यू। मेरी रेसिपी को देखिए और खाइए इसे गप्पर गप्पर। अल्लाह हाफिज़। हमें अपनी दुआ में याद रखना।